इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बोबी कटारिया, जो कि एक बहुत समाज सेवी हैं, काफ़ी समाज सेवा करते रहते हैं, लोगों की मदद करना, और आज वेलनेस के प्रोग्राम में आए हैं, क्या कुछ कहते हैं बोबी जी? आज कार्यक्रम में आए हैं वेलनेस जिम के, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? ये तो एक हमारा देश का भविष्य है, मैं यही सभी युवाओं को कहना चाहूँगा। देखो, अपना नशा वगैरह छोड़ करके जिम में थोड़ा सा अनुभव दिखाएंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हेल्थ इज़ वेल्थ। मैं बात करूं आपके प्रोफेशन को, जिस तरह समाज सेवा करते हैं तो किस तरीके से आप करते हुए आ रहे हैं, और अब तक कितने परिवारों को आप एक समस्या समाधान पहुंचा चुके हैं? मैं आप लोगों को बता दूं, समाज से जुड़ी हर चीज़ों के लिए हम कार्य करते हैं, और आज तक का रिकॉर्ड है 99% बॉबी कटारिया ने रिजल्ट दिए हैं और देता भी रहेगा। एक परसेंट वो लोग हैं जो कभी हमारे से मिलने नहीं आते हैं, वीडियो बनवा करके चले जाते हैं और फिर आते नहीं है। लगातार हम देखते हैं कि दिल्ली ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, बल्कि कभी नोएडा में भी आप होते हैं, कभी किसी के उद्घाटन में, कभी किसी भाई को प्यार देने के लिए आप पहुंचते हैं जी। देखो, हमारे भाई जब इतना बाहर से इतना प्यार मिलता है तो मान सम्मान इज्जत देते हैं, तो मेरा हक बनता है हर जगह कहीं ना कहीं पहुंचू मैं आप लोगों के बीच में। अगर लोग आपसे मिलना चाहें, आपके फैंस हैं काफी, मिलने के लिए मैसेज भी करते हैं आपसे, कैसे मिल पाए? आपने एक फोटो डाली हुई है फेसबुक पे कि बोबी कटारिया यहाँ नहीं रहते, तो कहाँ रहते हैं जी? बोबी कटारिया वो तो मेरी मम्मी ने लिखवा दिया था, काफी परेशान हो गई थी। लोग बाग रात को भी घंटियां बजाते हैं, जैसे 11 बजे 12 बजे आ जाते हैं, तो परेशान होकर के वो लिखवाया गया था। ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि बोबी कटारिया यहाँ नहीं रहता, बोबी कटारिया आपके दिलों में रहता है और दिलों में रहता आएगा हमेशा। युवाओं के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए यही कहूँगा कि आप लोगों ने जो साथ देकर प्यार देकर मुझे इस स्थान पर पहुँचाया है, मैं आपका भरोसा और आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा।